Good morning, students. How are you all? I hope you all are well. Students, today we are doing our grammar topic: direct and indirect speech. See, students, carefully first. Then, I, then I will explain you. See, I have collected this thick yoghurt for a couple of days, said grandmother. Grandmother said that. शी हैड कलेक्टेड दैट थिक योगर्ड फॉर अ कपल ऑफ डेज द फर्स्ट सेंटेंस इज इन डायरेक्ट स्पीच जो फर्स्ट सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच है इट प्रजेंट्स द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर क्योंकि ये स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स प्रजेंट कर रहा है द सेकेंड सेंटेंस इज इन इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच जो सेकेंड सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच है इट प्रेजेंट्स द वर्ड ऑफ अ स्पीकर एज टोल्ड और रिपोर्टेड बाय समवन एल्स। और ये स्पीकर के वर्ड्स को इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है जैसे किसी और ने बताए हों। वी डू नॉट यूज़ क्यूटेशन मार्क्स इन रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में हम क्यूटेश मार्क नहीं लगाते हैं बेटा जब कोई अपनी बात खुद कहता है वो डायरेक्ट स्पीच होती है जब उसी पर्सन की बात को कोई दूसरा बताता है तो वो क्या बन जाती है इनडायरेक्ट स्पीच और बेटा जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया जाता है तब कुछ चेंजेस होते हैं किस में चेंजेस होते हैं टेंसेज में और प्रनाउंस में सी यदि डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया है तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या बन जाएगा सिंपल पास टेंस सी आई वॉक शी तो रिपोर्टेड स्पीच क्या बन गई

ओके सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू टू परफेक्ट टेंस एंड सिंपल पास्ट चेंज इनटू टू परफेक्ट टेंस ओके एंड आई मी माई माइंड किस में चेंज हो जाएगा ही शी हिम हर हिज हर ओके वी आर आर्स एस किस में चेंज हो गया दे देयर देयर्स दाम यू योर किसमें चेंज हो गया ही शी दे और योर किसमें चेंज हो गया हिज हर देयर दिस किस में चेंज हो गया दैट में और दिस किस में चेंज हो गया दोज में ओके एडवर्ब लाइक टुडे यस्टरडे टुमारो एंड हेयर आल्सो चेंज्ड टुडे किस में चेंज हो गया दैट डे में यस्टरडे किस में चेंज हो गया द डे बिफोर में या द प्रीवियस डे में टमोरो द नेक्स्ट डे में और हेयर देयर में ओके यू हैव टू रीड दिस चार्ट केयरफुली आई वेंट टू वॉच अ प्ले यस्टरडे ईला साट ईला सैड दैट अब आई किसके लिए यूज हुआ है सब्जेक्ट के लिए हमारा सब्जेक्ट कौन है ईला तो ईला के लिए क्या यूज़ करोगे शी ओके शी और वेंट क्या है सिंपल पास्ट और सिंपल पास्ट किस में चेंज हो गया है पास परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया तो क्या आएगा हैड गोन टू वॉच अ प्ले यस्टरडे के लिए क्या आएगा द डे बिफोर ओके इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट आफ्टर सैड इन द डायरेक्ट स्पीच देन सैड बिकम्स टोल्ड यदि बाद में ऑब्जेक्ट दिया है तो सैड किस में चेंज हो जाएगा टोल्ड में सी आई एम वॉकिंग शी इज सैड टू मी तो क्या बन जाएगा शी टॉल्ड मी दैट सब्जेक्ट क्या है शी तो शी रहेगा शी सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में वॉज वॉकिंग ओके नाउ वी आर डूइंग सम प्रैक्टिस सी री राइट दीज सेंटेंसेज इन योर नोटबुक इन रिपोर्टेड स्पीच बेटा इसको आप पता है क्या करना आप इसको फेयर नोटबुक में नोट कर लेना जहाँ पे ये वाला चैप्टर स्टार्ट करोगे ना मेमरीज़ आर मेड ऑफ़ बटर मिल्क वाली ओके सी अदरवाइज आप यहाँ भी लिख सकते हो यदि आपको यहाँ प्रॉपर स्पेस लग रहा है तो सी कम हेयर टूमोरो रूही सैट टू अर्जुन रूही सैट टू किस में चीज हो जाएगा टोल्ड में टोल्ड अर्जुन अब देखो ये क्या है ये एक सिंपल कमांड है तो इसमें क्या यूज़ कर दोगे टू टू कम होम द नेक्स्ट डे टमोरो के लिए क्या यूज़ हो गया द नेक्स्ट डे अब सी नीतू सैड आई एम गोइंग टू वॉच जुरासी पार्क अब ये क्या है सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूज में और प्रेजेंट कंटीन्यूज किस में चेंज होता है पास कंटीन्यूज में नीतू सैड दैट सब्जेक्ट क्या है नीतू तो आई फर्स्ट पर्सन में चेंज होता है सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं बेटा आई और वी ठीक है तो आई किस में चेंज हो जाएगा शी में

Said Rim Jim. said that she had to finish her homework. There was no news about the missing aeroplane. Jareen said to me, Jareen told me that there was no news about the missing aeroplane because it's a time expression. I can't find my umbrella, said Aftab. Aftab said that. He couldn't find his umbrella. Okay? It's your homework. You have to do it yourself. Okay? Now start to write this answer. See the student. Either you can write here or either you can write on your notebook. Okay? आपने क्या करना है? आपने इस वीडियो को पॉज करके इसके आंसर्स राइट डाउन कर लेने हैं। बाकी मैम आपको समझा चुकी हैं आप सीधा भी लिख सकते हो। Okay beta bye bye and have a nice day